नमस्कार दोस्तों, क्या आपको फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं? अगर हाँ आती हैं तो आप तो ये वीडियो ज़रूर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ हम ऐसी एक्सक्लूसिव चीज़ें बताने आपको जा रहे हैं जो कोई और आपको इतनी जल्दी नहीं बताएगा। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं, पहले हम चलते हैं फेसबुक पर। देखिए, आप सभी जानते हैं कि फेसबुक पर जो हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं, या तो हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं या तो हम लोग डिलीट कर देते हैं, है ना। लेकिन जो आज आपको इस वीडियो में चीज़ पता चलने जा रही है वो आपके लिए एकदम न्यू होगी। फॉर एग्जांपल, हम अपना ओपन कर लेते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट वाला टैब। अब आप मेरे टैब में देख सकते हैं कि कितनी सारी रिक्वेस्ट पड़ी है मेरे में। यहाँ ऊपर पहले ही टैब में आपको दिख रहा होगा 50 रिक्वेस्ट। ओके, अभी अगर हम नीचे मोर करते हैं तो और भी रिक्वेस्ट आएंगी। जानते हैं, मैंने ना इनको कन्फर्म किया ना डिलीट किया। वैसे बाय द वे, ये आप पे डिपेंड करता है कि हाँ, अगर आप किसी को जानते हैं तो आप उसकी एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। वैसे अगर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट डिलीट कर देते हैं तो डिलीट मत करिए, ओके, अगर आप अपने फॉलोवर्स बढ़ाना चाहते हैं। ठीक, मैंने अभी ये न्यू आईडी बनाई है इसीलिए मेरे फॉलोवर कम है। अगर आप फॉलोवर्स अपने बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट डिलीट मत करिए। जो आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं उनको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो उससे होगा क्या, आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे। यहाँ पे जो आपको नंबर ऑफ़ फॉलोअर्ड बाई दिखता है ना, तो ये इसी कारण दिखता है। जब आप अपनी फेसबुक की फ्रेंड रिक्वेस्ट डिलीट नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, तो वो आपके यहाँ फॉलोवर्स में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने डिलीट कर दिया तो वो फॉलोवर नहीं बनेगा। तो इसीलिए अगर आप अभी तक डिलीट करते थे तो उसको डिलीट मत करिए और ऐसे ही छोड़ दीजिए। बाकी अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो एक्सेप्ट कर लीजिए, और अगर फॉलोवर बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको डिलीट मत करिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में क्वालिटी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।